आदमखोर तेंदुए ने बालापुर गांव की एक पशुशाला में सो रहे बुजुर्ग किसान पर हमला बोल दिया। इस हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान के चेहरे, हाथ और टांगों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल किसान को पहले ठाकुरद्वारा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें उपचार के लिए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। बीती रात हुई इस घटना से क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई है। वहीं कुछ देर बाद तेंदुआ नादूवाला गांव के पास दिखाई दिया, जिसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ठाकुरद्वारा कोतवाली के गांव बालापुर निवासी होरी सिंह रविवार को अपने घर से करीब 60 मीटर की दूरी पर पशुशाला में सो रहे थे। पशुशाला में दरवाजा नहीं था, तभी रात को करीब 10 बजे आदमखोर तेंदुआ पशुशाला के अंदर घुस गया। आदमखोर तेंदुए ने चारपाई पर सो रहे होरी सिंह पर हमला बोल दिया। आदमखोर तेंदुए ने होरी सिंह के गर्दन पर पंजा मारने का प्रयास किया, तो किसान ने अपना बचाव करते हुए तेंदुए को खेल दिया। फिर तेंदुए ने अपना मुंह होरी सिंह के सिर पर मारा। उसी समय होरी सिंह ने तेंदुए से बचने के लिए उसके मुंह में टॉर्च डाल दी। तेंदुए ने भी होरी सिंह के शरीर पर कई वार किए। आदमखोर तेंदुए के हमले से किसी तरह बचकर होरी सिंह घर पहुंचा और परिवार के लोगों को तेंदुए के आने की जानकारी दी, जिस पर परिवार के लोग और ग्रामीण लाठी डंडे और हथियार लेकर पशुशाला पर आ गए। उन्हें देखकर तेंदुआ वहां से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर तेंदुए की तलाश में रात भर जंगल में कॉम्बिंग की, लेकिन तेंदुए का कोई पता नहीं चला। बाद में घायल किसान होरी सिंह को पुलिस ने ठाकुरद्वारा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। हालत गंभीर होने के कारण घायल किसान को मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। बता दें कि आदमखोर तेंदुए ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन वन विभाग कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं कर रहा है। उल्टे वन विभाग के अधिकारी गांव में तेंदुआ होने के तर्क को कई बार झुठला चुके हैं। घेर में तो दरवाजा नहीं लगा हुआ था उसमें? ना, दरवाजा लगा था, खुला ही था। अच्छा, कितने बजे की बात है? 10 बजे की। 10 बजे तो भागा कैसे फिर वो? भागा, मैंने हाथ ही साला बैटरी थी, मेरे हाथ में बैटरी मारी मैंने उसके। हाथ में भर लिया ना, तो मैंने हाथ ऐसे मार दिया उसको, पेट में भी खाने गया। अच्छा, ऊपर से बैटरी बजा दी, बैटरी तोड़ दी मैंने। अच्छा, जब वो भगा पीछे वो। तो गांव वाले कितनी देर में आए? गांव वाले, मैं गांव में बढ़ गया अंदर में जाकर, जब उठे फिर वो क्या हाथ आ गया, फिर तो भाग गया। तो ये घर आबादी से बाहर है क्या आपका? सड़क पे था ये। सड़क पर ये रहे। ये जो रोड गई है डिलारी वाली। हाँ। नाम क्या आपका? होरी सिंह। होरी सिंह। और वल्दियत क्या है? निर्वल सिंह। मुरादाबाद के ठाकुरदाना नानूवाला गांव में बीती रात तेंदुआ जंगलों में दिखाई दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने तत्काल वन विभाग के अधिकारी को सूचना दी है, लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन तेंदुआ किसी न किसी को शिकार बनाता रहता है, लेकिन वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। और कई बच्चों की जान ले चुका है। परसों बालापुर होरी सिंह, उनको उन पर भी हमला करा है, और इसमें वन विभाग वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कितने दिन से तेंदुओं का आतंक? तेंदुओं का साहब 3 महीने पहले से 3 बच्चे मार चुके हैं, कुछ नीलगाय भी मारी हैं। वन विभाग को शिकायत करते हैं क्या कहते हैं? वन विभाग को शिकायत करते हैं, वो वन विभाग वाले हमारी सुनते नहीं। बहुत हंगामा कर रहे हैं साहब, नारेबाजी भी कर रहे हैं, मगर वो नहीं सुनते। खेतों पर आप जा रहे हैं काम करने, किस तरह से जा रहे हैं? खेतों पर साहब अपना डंडे लाठी लेकर, और साहब कोई किसी के पास कोई बल्लम जैसा वो हो, ये जो नोकदार हथियार, उनको लेकर जा रहे हैं। काफ़ी परेशानी करनी? बहुत काफ़ी परेशान कर रहा है, और वन विभाग से चल रहा है। और हमने वन विभाग को भी कई बार इन्फॉर्मेशन दी, हालांकि उन्होंने चीज पर कोई गौर नहीं करी है। और हमारे, हम तो घर से निकलने से परेशान हैं, और जंगल में जाने से असमर्थ हैं, जिससे कि हमारे बच्चों कई को मार चुका है वो, और ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी। रात भी तेंदुआ देखा गया है यहाँ बानूवाला में? हाँ, रात भी तेंदुआ देखा गया, कुछ लोग बता रहे हैं कि रात भी तेंदुआ था। तो वन विभाग से शिकायत नहीं करते आप लोग? वन विभाग से कह दे, एप्लीकेशन दे दियो ना, तो उस पर भी कोई भी शिकायत नहीं कर रही। किस तरह से खेतों पर जाते हैं? किस तरह से क्या, 10-5, 5-20 लोग जब खेतों पर जाते हैं, जब कोई अपना काम तो करना पड़ता है, ये है, इस वजह से टोली बना कर जाते हैं। अकेला जाने वाले असमर्थ रहता है।
वहीं वन विभाग के रेंजर का कहना है कि जानवर तो जानवर ही होता है, क्योंकि इस बेल्ट में गन्ने की फसल बहुत ज्यादा है तो तेंदुआ गन्ने के खेतों में ही छुपा रहता है। साथ ही रेंजर ने संसाधनों का हवाला देते हुए बताया कि हमारे पास तेंदुआ पकड़ने का कोई संसाधन नहीं है और शासन से भी आदेश है कि तेंदुआ पकड़ने के लिए किसी भी तरीके से पिंजरा न लगाया जाए। अधिकारियों के इस प्रकार के जवाब के बाद आप खुद ही सोच सकते हैं कि प्रशासन की नजर में इंसानी जान की कीमत कितनी है। तो है उसमें क्या किया जा सकता है, जंगली जानवर है, यहाँ पर गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा हो रही है, उन्हीं में घुसे रहता है, उन्हीं के नज़दीक गांव के वालों पर हमला करता है। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है अब तक? पकड़ने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है इससे भाई, पिछले के अलावा कोई ऐसा कोई साधन नहीं है पकड़ा जाए, और ना कोई इसकी जगह एक निश्चित लोकेट नहीं की गई है अभी तक। ये तेंदुआ आदमखोर हो गया है और अब तक कितनी जान ले चुका है? आदमखोर नहीं हुआ, आदमखोर होता तो फिर बराबर वहीं रहता। कितने तेंदुए हैं सारी इधर? इसकी कोई गिनती नहीं है, यानी कैद नहीं होते। अधिकारी से बात कीजिए आप, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या रहा है, ये अधिकारी बता सकते हैं। क्या इंसानी जान से ज्यादा है ये कि बच्चों की भी जान ले चुके हैं अब तक? नहीं तो इनको पकड़ने के लिए भी अभी ऐसा कुछ नहीं है भाई, पिंजरे लगाने के लिए मना कर रखा है शासन। तो इसी तरह से बच्चों की जान जाती रहेंगी और ये नहीं पकड़ा जाएगा।